बस अब बहुत हो गया। मेरे जीते जी मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हम लोगों की तरफ से साफ साफ इनकार है। मेरी भी एक बेटी है। कम अज कम इस हरकत के बाद तो मैं इस घर में मजीद नहीं रुकूंगी। हम बहुत जल्द ये घर छोड़ देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम समझाते क्यों नहीं हो इसे? अरे भाई, छोटी छोटी बातों पे कोई इतने बड़े फैसले लेता है? छोटी छोटी बातें आपकी नजर में ये छोटी बात है? आपकी बेटी ने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया। बस अब बहुत हो गए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने खाला जान को पहले ही बता दिया था कि वो फजर के बारे में आपको बता दें। क्या बताना था? अरे तुझे बताया तो था हमने, तुम किसी तरफ ध्यान दो तो तब की बात है ना। बताया था कि नजर रखो। क्या क्या फजर के बारे में दादू क्या बताएंगी? फजर ने क्या किया? ये हमारे कमरे में आया हुआ था आधी रात को, मैंने अपने हाथों से उसके सर पे बोतल फोड़ी है। है, है। वाह, देख लीजिए कितने फखर से आपकी बेटी बता रही है कि उसने मेरे बेटे का सर फाड़ा है। अच्छा, आपको ये आवाज आ गई है कि मैंने उसका सर फाड़ा है? आपको ये आवाज नहीं आई कि आपका बेटा आधी रात को हमारे कमरे में था? क्यों था? खुद नहीं गया था वो, फजर लेके गई थी उसे अपने कमरे में। और मैंने खुद फजर को कितनी बार देखा भाई के आगे पीछे होते हुए। वो बीमारी का नाटक करती है, भाई तो बेचारा बचता फिरता है उससे। झूठ किसके सामने बोल रही हो? मेरे मुंह के सामने झूठ बोल रही है? तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। हाँ भाई, क्यों गए थे तुम लड़कियों के कमरे में आधी रात को? पानी पीने के लिए बाहर निकला था। वो कमरे के बाहर फजर थी, उसने कहा कि कोई ड्रॉ जैम हो गया उसका, उसकी टेबलेट है। मैं वो ठीक ही कर रहा था कि तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही ना इस तरह सबके सामने झूठ बोलते? फजर सो रही थी, मैं भी साथ सो रही थी। ये हमारे कमरे में खुद ही आ गया था उसको छेड़ने, उसको तंग करने। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये पहले भी हमारे कमरे में आया हुआ इसी तरह। फजर की ऐसी हालत इसने की है? फजर बिल्कुल ठीक थी पहले? फजर बिल्कुल क्या कहा है मैंने तुमसे? तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है बीच में। वो आपके सामने बोलने की इजाजत कभी भी नहीं होती। अगर बोलने की इजाजत होती ना तो आज ये ना हो रहा होता। तुम अपनी बकवास बंद करती हो या मैं खड़ा हूं। जाओ यहां से। उस दिन भी पानी पीने ही गया होगा। ये देखा आपने भाईजान, ये क्या चल रहा है आधी रात को इस घर में? सुकून नाम की कोई चीज है? सुबह मुझे ऑफिस जाना है, आपने कारखाने जाना है, रहना नहीं जाना है, मतलब जाओ जाओ कमरों में जाके आराम करो। चलो बस मेरे कमरे में चलो बेटा। जाए अम्मा, आप भी अपने कमरे में जाके आराम, बात करनी हमें।